नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तबरेज सिद्दीकी। सबसे पहले हेडलाइन। बस और ट्रक के आमने सामने टक्कर में लगभग 1.5 दर्जन लोग घायल। जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में चल रहा है इलाज। परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह सदर हॉस्पिटल का दौरा कर रोडवेज बस के घायलों का कुशल क्षेम जाना। दिया घायलों के पर्याप्त मदद का भरोसा। क्षत्रिय महासभा और हिंदू संगठनों के लोगों ने फिल्म पद्मावती का किया विरोध। निर्देशक संजय लीला भंसाली का फूका पुतला। बसंत पंचमी के अवसर पर गोरखपुर विश्वविद्यालय में शिक्षकों और छात्र छात्राओं ने विद्या की देवी मां सरस्वती की विधिवत की गई पूजा अर्चना। पेट्रोल में पानी मिलने पर उपभोक्ताओं ने किया हंगामा। पैसे वापस मिलने पर हुए शांत। CRDPG कॉलेज में बसंत पंचमी पर आयोजित हुआ विविध कार्यक्रम। निराला जयंती पर वक्ताओं ने रखे विचार। सपाइयों ने मनाई स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र की 8वीं पुण्यतिथि। दी श्रद्धांजलि। लिया छोटे लोहिया के बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प। श्री साईं सेवा संस्थान द्वारा मनाई गई श्री साईं बाबा वार्षिक उत्सव समारोह। निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के ललित कला एवं संगीत विभाग द्वारा आयोजित 8 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का हुआ समापन। वक्ताओं ने कहा, साक्षात सांस्कृतिक कला व सांस्कृतिक गतिविधियों का गवाह बना ललित कला विभाग। बीज शोधक रसायन, जैविक रसायन एवं अन्य रसायन जिले के सभी ब्लॉकों में किसानों के लिए अनुदान पर प्रचुर मात्रा में है उपलब्ध। दिग्विजय नाथ PG कॉलेज में शिक्षक और छात्र छात्राओं ने की माँ सरस्वती की वंदना। मान्यता प्राप्त मदरसों के प्रबंधक और प्रधानाचार्य पोर्टल पर 30 जनवरी तक कराएं विवरण फीड को फाइनली लॉक। और भारतीय एकलव्य पार्टी ने मनाया वीर अभय की जयंती। अब समाचार विस्तार से। बेलीपार थाना क्षेत्र के चारपानी गांव मोड़ के पास घने कोहरे के कारण सोमवार की सुबह रोडवेज के एक बस और ट्रक में आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें कुल 1.5 दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को स्थानीय लोगों के सहयोग से पुलिस ने आनंद फानन में जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। घायलों में प्रमुख रूप से राजीव त्रिपाठी पुत्र जगत नारायण, राजमती पत्नी रामलगन, अर्पिता राय पुत्री अतुल कुमार राय, संदीप राय पुत्र श्याम नारायण, लवकुश ओझा पुत्र प्रदीप ओझा, भीष्मलाल पुत्र दयाराम, विंध्यवासिनी रावत पत्नी राजेश रावत, काजल रावत पुत्री राजेश रावत, हीरा रावत पुत्र इंदर, बसंत राम पुत्र जोहू राम, सुरेश गुप्ता पुत्र फूल मंदन, अरविंद कुमार पुत्र राम विलास यादव सहित 1.5 दर्जन लोग शामिल रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए घायल विंध्यवासिनी ने बताया। ठीक हो गया तो उस बार में लगा भी है ना। क्या हुआ था? बस में बैठे थे, मेरा नंबर लगा था डॉक्टर जो जगह से चढ़े थे और दौड़ पार से थोड़ा सा आगे आया और उसके बाद इधर से ट्रक आ रहा था, इधर से मतलब बस आ रहा था और दोनों मतलब भीड़ गए और उसके बाद हम लोग मतलब बेहोश हो गए। अब मेरी बच्ची को मैं मतलब पानी से लोग फुहारे तब तो मैं आग खुला तब बच्ची को लगे खोजने हम बहुत बेहोश हो गए दूसरी से। उसके बाद हम लोग को मतलब जल्दी सबके पास फोन किए, होश आया तो उसके बाहर निकले लेकिन सब शीशा उठा उसमें जितना कुर्सी सीखा था मतलब पड़ गया था सब। उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान क्षेत्रीय अध्यक्ष उपेंद्र शुक्ल, दुर्गा राय, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, धर्मेंद्र सिंह, डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा, देशबंधु शुक्ल, विश्वजीत सिंह, आशु
जितेंद्र सैनी, नीरज शाही, राधेश्याम रावत, अमरेश यादव, ब्रजेश त्रिपाठी, पिंटू गौर, रंजीत राय बड़े, अजय सिंह संचू, मार्कंडे राय, गौरव तिवारी, नीरज शाही सहित अनेकों लोग उपस्थित थे। इसके उपरांत परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह 7:30 बजे सदर हॉस्पिटल का आकस्मिक दौरा कर सोमवार की सुबह रोडवेज बस के घायलों का कुशलक्षेम जानकर सरकार से घायलों के पर्याप्त उपचार एवं मदद सहित उचित मुआवजा का भरोसा दिया। ये है कि वास्तव में डॉक्टर और माननीय योगी जी के शासन में जिस प्रकार मरीजों का देखभाल हो रहा है वास्तव में हम उनसे परिवर्तन, एक बार डॉक्टर हों चाहे लोग हों, चिंता कर रहे हैं। दूसरी बात, रोड के ऊपर एक्सीडेंट ना हो, परिवहन विभाग रोड सेफ्टी को लेकर चिंतित भी है, गंभीर भी, कैसे दुर्घटना कम हो इसके लिए जन समाज में जन जागरण गोष्ठियाँ, वातावरण बनाना, विज्ञापन और ये सबों के माध्यम से भी, और बच्चों के अंदर कंपटीशन की भावना यानी निबंध प्रतियोगिता भी इस समय चल रहा है, इसलिए कैसे रोड सेफ्टी यानी एक्सीडेंट कम हो। और सभी से मेरा निवेदन भी आपके माध्यम से है कि रात में चलते समय सीट बेल्ट है या हेलमेट है, दिन में या रात में, और गाड़ी का स्पीड भी जिस प्रकार चलना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए महत्वपूर्ण जीवन है नौजवानों का, देश के भविष्य के लिए उनका योगदान आने वाला समय में रहेगा,
इसलिए लापरवाही में कोई काम नहीं करना है। इसलिए मैं आज पता चला था कि दुर्घटना हो गई है, वो हल्का रहता है, वो होता रहता है। मंत्री जी, अमूमन देखा जाए तो अभी जो यात्रियों का बताना था कि जो परिवहन विभाग की जो ड्राइवर थे उसकी गलती से ये हुआ, तो क्या तो जिनकी गलती होगी कार्रवाई होगा, उसके ऊपर होगा, दंड मिलेगा। पद्मावती फिल्म को लेकर अब गोरखपुर में भी माहौल गर्माता जा रहा है। पद्मावती फिल्म के विरोध में क्षत्रिय महासभा और शिव राष्ट्रीय सेना के सदस्यों ने सोमवार को महानगर के सिटी मॉल के बाहर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा भी किया। फिल्म के विरोध में प्रदर्शनकारी केसरिया झंडे लेकर नारेबाजी की और फिल्म के निर्देशक संजय लीला भंसाली का पुतला भी फूंका। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे यशपाल सिंह और संदीप सिंह ने कहा कि पद्मावती फिल्म पूरी तरह से हिंदू और क्षत्रिय विरोध है, जिसे वो महानगर में कभी रिलीज नहीं होने देंगे। संजय लीला भंसाली ने हम हिंदुओं के खिलाफ दिखाया है और उन्होंने गलत दिखा। इतिहास में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया है जो उन्होंने उस पिक्चर में दिखाया है। और किसी भी घर की महारानी जो होती है वो नाच नहीं सकती है, सरासर विरोध किया गया है। इसमें ठाकुरों को बदनाम किया गया है, हिंदुओं को बदनाम किया गया है इस पिक्चर में, क्योंकि आप देख लीजिए कि किसी भी कोई महारानी आज तक नाचती नहीं दिखी है और उन्होंने उस पिक्चर में महारानी को नाचते हुए दिखाया है। मिल के सारे हिंदू समाज की तरफ से पद्मावती के विरोध में एसआरएस सिटी मॉल पे आए हैं और यहाँ हम ज्ञापन देने काम कर रहे हैं कि अगर आज पद्मावती फिल्म लगी तो सारे हिंदू संगठन मिलके इसका विरोध करेंगे और कोई भी सिनेमा हॉल में पद्मावती को चलने नहीं देंगे। संजय लीला भंसाली द्वारा बनाए गए फिल्म में हिंदुओं के भावनाओं से छेड़छाड़ की गई है और उस छेड़छाड़ के विरोध में इस फिल्म का पूरा विरोध होगा और होगा। सेंसर बोर्ड ने कितने टिकट लगाए ये मुझे नहीं मालूम, मुझे हिंदू भावनाओं के ऊपर केस नहीं पहुंचना चाहिए इससे। और संजय लीला भंसाली ने आज तक जो भी फिल्में बनाई है उसमें पूरी तरह से हिंदू भावनाओं को ठेस लगाया गया है। बार बार यही कहा गया है वो हिंदू भावना ठेस नहीं लगाता, लोग लगाते हैं तो उनसे ऊपर के संजय लीला भंसाली नहीं है। और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि अगर किसी भी हालत में देश में पद्मावती रिलीज हुई तो पूरे देश में पद्मावती को चलने नहीं देगा, हिंदू समाज किसी हाल में चलने नहीं देगा। संदीप सिंह। सोमवार को महानगर के लगभग सभी शैक्षणिक संस्थानों में बसंत पंचमी मनाई गई। इस अवसर पर इन संस्थानों में मां सरस्वती की विधिवत पूजा अर्चना की गई। बसंत पंचमी के अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग में भी विद्या की देवी मां सरस्वती की विधिवत पूजा अर्चना की गई। बसंत पंचमी की सुबह विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग की पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर विपला दुबे की उपस्थिति में शिक्षकों और छात्र छात्राओं ने मंत्रोच्चारण के साथ मां सरस्वती की वंदना की। इस अवसर पर प्रोफेसर अनंत प्रोफेसर चितरंजन मिश्र, प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर राजवंत राव, डॉक्टर अजय शुक्ला, प्रोफेसर सुमित्रा सिंह, प्रोफेसर दिव्या रानी सिंह सहित कई शिक्षक और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। नैवेद्यान्ते आचमनीयं समर्पयामि भूश्री गणाधिपतये नमः मंगलमूर्तये नमः।
नैवेद्यास्मनीयम समर्पयाम तूकीफलम समर्पयाम गणाधिपतये नमः मंगलमूर्तये नमः सफलम दक्षिणाम समर्पयाम सफलम दक्षिणाम समर्पयाम हिरण्यगर्भ समवर्तताग्री भूतस्य जातः पत्री काशी सदा लाल तमिलदाम तीमाम तस्मै देवाय शाविदे ओम विघ्नेश्वराय विघ्नेश्वराय दुर्प्रियाय रंभोदराय सकलाय जगतिताय नागामनाय विभूषिताय गौरीषिताय गणनाथ नमो नमस्ते भूश्री गणाधिपते नमः पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि गणाधिपते ॐ सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधके श्रेष्ठे त्र्यम्बके गौरनारायणी नमोऽस्तु ते चन्दनं लीपनं समर्पयामि माता गौरी नमः ॐ तुम वैष्णवी शक्तिरनन्दिनी विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देव समस्तमेतत्त्वमयि प्रसन्ना भवे मुक्तिहेतु वस्त्रं समर्पयामि श्रीयात्मनः चंदनों में ऐसे भेद आदि कभी निकाले का फिर ऐसे भी जाते ओम चंदनम लेपन समर्पयाम सूर्याद नौग्र देवतादि भी भयो चंदनम लेप हस्तिनाम लेपन समर्पयाम सूर्याद नौग्र देवतादि भी भयो नमः। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कुछ तोहफे हम कभी नहीं भूलते। जैसे घर आई नन्ही खुशी के लिए दादा दादी का दुलार, दिवाली पर मिठाई के डब्बे में छुपा मम्मी के लिए पापा का प्यार, वो दिल से पूछा गया एक सवाल और उसके जवाब की तैयारी में शुभ आरंभ का आशीर्वाद। ऐश प्रा 76 सालों से परंपरा विश्वास की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बेतिहाता स्थित मिरिंडा पेट्रोल पंप में सोमवार को उपभोक्ताओं ने पेट्रोल में पानी मिलने पर हंगामा मचा दिया। हंगामा होने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उपभोक्ताओं ने बताया कि पेट्रोल में पानी मिला कर दिया गया है, जिससे गाड़ी का इंजन सीज होने का खतरा बना हुआ है। पेट्रोल पंप प्रबंधन से बात की गई तो उन्होंने पानी मिले होने से इनकार किया है, जबकि वाहन स्वामियों ने गाड़ी में से पेट्रोल निकाल कर दिखाया। इसके बाद जिला पूर्ति विभाग के अधिकारी भी पहुंचे और कार्यवाही में जुट गए। हंगामे के बाद पेट्रोल प्रबंधन ने पेट्रोल भराए, लोगों के पैसे वापस किए, तब हंगामा शांत हुआ। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पेट्रोल पंप के प्रोप्राइटर शिवेंद्र विक्रम सिंह ने बताया। और जो बोतल भैया लिए उसमें पानी है, गाड़ी का रसीद है, सबसे पहले तेल पड़ा है, सब में पानी है, पानी निकलवा गाड़ी बंद हो चुकी है, गाड़ी बंद हो जा रही है, गाड़ी पानी भर के जगह पर खड़े नहीं खड़े यहाँ पर
अपना जाए घर जाए, इसको तेल भराना भरा के जाए, तेल भराना भैया भरा ले, स्वीट तेल भाई तेल वाले बाकी आप ना फिर कराए ना 520 रुपये डलवाए भैया, हम सीधे जानते हैं वो आदमी से झगड़ा हुआ है सुबह से, सुनिए हमारे साथ सुबह बात हुई पानी भर रहे हैं, पेट्रोल भराने आ रहे हैं, लोग पानी भर के पैसा कमा रहे हैं, किसी भी तरह से पेट्रोल नहीं रह रहा, किसी भी एंगल से पेट्रोल नहीं रह रहा, बस लग रहा कि बस मिला दिया गया, इसका महक एकदम तेल की तरह है। ये भी है गोरखपुर बेतियाते चौराहे की बात है, ये क्या हुआ बेतियाते चौराहे पे हम लोग पेट्रोल भराने आए और पेट्रोल जैसे ही भरा करके एक किलोमीटर नहीं आधा किलोमीटर ही गए थे, गाड़ी बंद हो गई और उसके बाद मिस्त्री को दिखाने गए, मिस्त्री कह रहा है कि गाड़ी तुम्हारी सीज हो गई है, पेट्रोल में पानी है, हम लोग वापस आए फिर यहाँ हम लोग कहने लगे, यहाँ पेट्रोल पंप के मैनेजर से उन्होंने मारपीट करने के लिए शुरू हुए, गाली गलौज हो कर दिया, हम लोग कैसे कह रहे हैं वो पेट्रोल में पानी है कैसे पेट्रोल, ऐसे करते करते 500 लोग मोटरसाइकिल वाले आ गए, सारे लोग बोतल में पानी निकाल निकाल के पेट्रोल, आधा पानी आधा पेट्रोल है, पेट्रोल का नाम निशान ही नहीं है। पानी मिलावटी है इस पेट्रोल पंप पे, हम लोग इस पेट्रोल पंप पे हंगामा करेंगे और हमारी सहायता पुलिस नहीं करेगी तो हम इसके आगे आधिकारिक पास जाएंगे। हो गया था पेट्रोल का, जब पेट्रोल आया उसमें पड़ा है नीचे कुछ कचड़ा रहता है जिसके साथ में वो उठा लिया है, उसी समय डिलीवरी भी शुरू हो गई है जिससे ये परेशानियां आई हैं, इसको अभी मोटरसाइकिलों को लगा करके साफ कर दिया जा रहा है, शुद्ध पेट्रोल नया पेट्रोल दे दिया जा रहा है, सारी समस्या समाधान हो जाएगा, व्यवस्था बनाने में सहयोग करें आप लोग। पानी पानी अभी एक घंटे से लगभग हो गया, उड़ ही नहीं रहा पेट्रोल, अगर होता तो उड़ गया होता, अब लिया हूँ और ये सब पानी ही पानी है, कुछ नहीं रखा है, बस पानी है, बस पानी है, यहाँ के पेट्रोल पंप के मैनेजर कह रहे हैं कि 520 लीटर पानी रहता है, यही दिक्कत है भैया, देख लीजिए आपका पेट्रोल कैसा है, सिंपल क्या कर रहे मैनेजर, मैनेजर वही कह रहे हैं कि इतना पानी रहता है, उनका ये बयान हुआ वहाँ सुनने में कि इतना पानी जो है पेट्रोल में रहता है, अब कैसे रहता है वही बता पाएंगे, क्या मैटर है। बात कर लीजिए इनसे, थोड़ा सा अरे ऊपर उठा लो, दिखाई अल्लाह नहीं करो, अल्लाह नहीं करो, हम लोग
बसंत पंचमी के अवसर पर चंद्रकांति रमावती देवी आर्य महिला पीजी कॉलेज में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सुबह कॉलेज में मां सरस्वती की पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद कॉलेज द्वारा हिंदी साहित्य में छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाने वाले सूर्य प्रकाश निराला की जयंती समारोह आयोजित हुई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के आचार्य प्रोफेसर प्रेमव्रत तिवारी, महाविद्यालय प्रबंधक डॉक्टर रामरक्षा पांडे, प्राचार्य डॉक्टर अपर्णा मिश्रा, डॉक्टर सुमन सिंह, विनीता राय, शारदा रानी, शिखा राय, ऋचा दुबे सहित कई अन्य शिक्षक व छात्राएं मौजूद रहीं। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि बसंत पंचमी का पर्व विद्या वृद्धि एवं ज्ञान की अधिशास्त्री माँ सरस्वती की उपासना का दिन है। ये उपासना तभी सफल होगी जब हम वाणी के संयम का संकल्प लेंगे। उन्होंने कहा कि निराला अपनी रचनाओं के वैविधता के लिए जाने जाते थे तथा उनका संपूर्ण साहित्य राग और विराग के रूप में जाना जाता है। जिस तरह से हिंदी कहानी में उसने कहा था, जिस शैली और शिल्प में लिखी गई, उस शैली और स्क्रिप्ट में फिर हिंदी में दूसरी कोई कहानी नहीं लिखी गई, उसी तरह सरोज स्क्रिप्ट कविता फिर दूसरी नहीं लिखी गई। निराला ने न केवल अपनी जन्मतिथि में परिवर्तन किया, अपने नाम में भी परिवर्तन किया। उनका जो बचपन का नाम है वो सज्जन कुमार तिवारी है, जिसे उन्होंने बदल के सूर्यकांत त्रिपाठी कर दिया, और जो मतवाला है उसी के तट पर उन्होंने अपना नाम निराला रखा। आप जानते होंगे कि मतवाला एक पत्रिका थी जो कलकत्ते से प्रकाशित होती थी, उसके संपादक मंडल में निराला थे, उस नाम लगता था, उसको उन्होंने बदल के सूर्यकांत त्रिपाठी कर दिया और निराला जो है वो मतवाला के तर्ज पर उन्होंने निराला रख दिया, नाम को बदल दिया। उन्होंने अपना उपनाम मतवाला की तर्ज पर निराला कर दिया और अपने साहित्य में बराबर वो प्रयोग करते रहे, उसका खंडन करते रहे, उसमें बराबर आधुनिकता का समावेश करते रहे। हम कह सकते हैं कि निराला का संपूर्ण साहित्य राग और विराग का साहित्य है। इसी शीर्षक से रामविलास शर्मा ने उनकी कविताओं का एक संग्रह भी प्रकाशित किया है। सो उनके पूरे जो काव्य वैविध्य में हम देखते हैं कि वो राग भी है और विराग भी है। तो बेतिहाता स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय में सोमवार को छोटे लोहिया कहे जाने वाले स्वर्गीय जनेश मिश्र की 8वीं पुण्यतिथि मनाई गई, जिसकी अध्यक्षता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव ने की। कार्यक्रम के शुरुआत में सपाइयों ने स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष प्रहलाद यादव ने कहा कि स्वर्गीय मिश्र ने लगातार अन्याय और अत्याचार के खिलाफ और गरीबों के अधिकार के लिए लड़ते रहे। उन्होंने व्यवस्था परिवर्तन के लिए घर परिवार छोड़कर लगातार समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने का कार्य किया। इस अवसर पर मोहसिन खान, चंद्रबली यादव, अवधेश यादव, रामभुआल निषाद, शारदा देवी, जयाउल इस्लाम, जवाहरलाल मौर्य सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। आप लोग का है तो हम लोग गरीब निकालने वाले, जबकि इस परिवार से मांगा ना पहले दिया, ये बात सही कि इन्होंने मुझे टिकट दिलवाया और मैं वहां से अध्यक्ष हुआ, मैं पार्षद हुआ, फिर पार्टी का अध्यक्ष हुआ। मैं कह सकता हूँ कि जनपद गोरखपुर में नहीं पूरे उत्तर प्रदेश से मैं मुझसे कम उम्र का पहला अध्यक्ष पार्टी का छात्र सभा का अध्यक्ष था, उससे ज्यादा कठिन दौर आज का दौर नहीं। अगर नौजवान साथियों, पार्टी के जो नौजवान साथी, उनको मैं संबोधित कर रहा हूँ, इस कठिन दौर को अगर पार कर ले जाओगे
तो जिस विचारधारा की राजनीति आप करते हो, पिछड़ा दलित और संख्यक यानी सामंतवादियों के खिलाफ जो संघर्ष समाजवादियों का डॉक्टर लोहिया के जमाने से लगाया और आज अखिलेश यादव के जमाने तक जो संघर्ष पर चल रहा है, उस संघर्ष में अगर लड़ाई जारी हो गई तो यकीन मान लेना की सामंतवादी व्यवस्था एकदम नतमस्तक हो जाएगी। यहाँ कह दिया जाए कि चकना चूर हो जाए। मुझे बहुत अच्छा भाषण करने आता है, मैंने शिकायत नहीं किया क्योंकि प्रभारी मुझसे पूछ रहा है कि आपकी यूजन सभा के अध्यक्ष के अलावा कोई अध्यक्ष कुछ कमेटी बनाने में शहर का रुचि नहीं दिखा रहा है, इसके जिम्मेदार नहीं होगा। आज जो फेसबुक और व्हाट्सएप की राजनीति आप करिए, समाजवादी विरोधा माननीय मनीष मिश्रा जी, छोटे लोहिया जिन्हें हम कहते हैं, उनकी आठवीं पुण्यतिथि है और उनके आठवीं पुण्यतिथि पर समाजवादी पार्टी का एक कार्यक्रम चल रहा है। माननीय छोटे लोहिया साहब समाजवादी पार्टी को बहुत कुछ दे करके गए और उन्होंने आदरणीय अखिलेश यादव जो आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको बहुत कुछ ऐसे राजनीतिक गुण सिखाए हैं कि जिन गुणों को लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज समाजवादी पार्टी की अगुवाई कर रहे हैं और हम पूरे देश में समाजवादी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। प्रदेश में तो विचारधारा की सरकार ही नहीं बल्कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 376 एकड़ का एक छोटे लोहिया के नाम पर जनेश्वर मिश्रा पार्क का निर्माण कराया और उसके अलावे बहुत सारी योजनाएं जनेश्वर मिश्रा गांव के नाम पर उत्तर प्रदेश के तमाम गांवों को जनेश्वर मिश्रा गांव बना करके उसमें विकसित किया। तो हम छोटे लोहिया साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हुए हैं और उनके विचारों को अपने लोगों में एक महीने में हम लोग उसके लिए पूरी तैयारी कर लिए हैं और छोटे लोहिया जी की पुण्यतिथि बहुत प्रासंगिक हो गई है ऐसे समय में कि जब समाजवादी पार्टी चुनाव में जा रही है और सांप्रदायिक ताकतों के गढ़ में मुख्यमंत्री के जिले में हम लोग यहाँ उनको हराएंगे, भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, ऐसी रणनीति हम लोग बना लिए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशन में लगातार हम लोग ऐसी रणनीति तैयार करके लगे हुए हैं। श्री साईं सेवा संस्थान द्वारा कालीबाड़ी मंदिर परिसर में सोमवार को श्री साईं बाबा वार्षिकोत्सव समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर संस्थान द्वारा मंदिर परिसर से सुबह श्री साईं की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में मुख्य रूप से महापौर सीताराम जायसवाल, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, कालीबाड़ी के महंत रविन्द्र दास, हरि गोविंद सर्राफ, ठाकुर प्रसाद वर्मा, संतोष वर्मा सहित भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। शोभा यात्रा कालीबाड़ी मंदिर से निकलकर घंटाघर, मदरसा चौराहा, लालडिगी चौराहा, खूनीपुर, बख्शीपुर चौराहा, अग्रसेन चौराहा, बैंक रोड, टाउन हॉल, माया बाजार होते हुए वापस मंदिर परिसर में समाप्त हो गई। शोभा यात्रा में संस्थान की तरफ से मनमोहक झांकियां भी निकाली गई जिसे देख राहगीर मंत्र मुग्ध हो गए। यात्रा के दौरान श्रद्धालु भक्ति गीतों पर नाचते झूमते नजर आए।
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के ललित कला एवं संगीत विभाग द्वारा आयोजित 8 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का सोमवार को माँ सरस्वती के विधिवत पूजा अर्चना के बाद समापन हो गया। कार्यक्रम के समापन अवसर पर वाराणसी से आए प्रोफेसर शोभित नाहर ने भजन और चेन्नई से आई अरुंधति विश्वास त्रिपाठी ने मीरा भजन पर नृत्य की प्रस्तुति की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर चितरंजन मिश्र ने कहा कि कला और संस्कृति का अनूठा दर्शन राष्ट्रीय कार्यशाला में देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि कार्यशाला में सांस्कृतिक कला व सांस्कृतिक गतिविधियों का साक्षात गवाह ललित कला विभाग बना है, जिसमें कला, नृत्य, नाटक, संगीत सभी का अद्भुत समागम रहा। इस अवसर पर विभागाध्यक्ष डॉक्टर उषा सिंह, डॉक्टर सत्येंद्र सिंह, संदीप कुमार श्रीवास्तव, अशोक कुमार, शेखर त्रिपाठी, शुभम सिंह, आदित्य कुमार वर्मा सहित कई शिक्षक एवं छात्र छात्राएं मौजूद रहे। विश्वविद्यालय के सभी सदस्यों की ओर से कि उन्होंने एक हफ्ते तक इस साधना को यहाँ जीवंत किया और देश भर के कला साधकों को आमंत्रित करके विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करवाया, उनके भीतर की जो प्रतिभा है उसको थोड़ा निखारा, कला की प्रतिभा तो बीज रूप में निहित होती है लेकिन उसको अगर अभ्यास द्वारा परिमार्जित नहीं किया जाता है तो वह धीरे धीरे कुंभला जाती है और अभ्यास अगर योग के निर्देशन से होता है, योग के निर्देशन में होता है तो वह प्रतिभा लगातार बढ़ती रहती है और लगातार नई नई सृजना की ओर उन्मुख होती है। बहुत अच्छा विषय दिया था उषा जी ने, बता हुआ है सृष्टि एक लय से चलती है और वही लय जब बिगड़ती है, लय जब बिगड़ता है तो प्रलय हो जाता है, इसीलिए लय का शब्दों की लय होती है, अर्थ की लय होती है और जिंदगी की भी एक लय होती है। सृष्टि का एक लय है और इस लय का जब असंतुलन होता है तो सृष्टि नष्ट हो जाती है, हमारे लौकिक भावों को अलौकिक बना लेती है। हमारे एक साहित्यकार हुआ करते थे राम कुमार वर्मा इलाहाबाद में थे, उन्होंने कहा है कि संगीत ईश्वरीय विभूति की वह किरण है जिससे मनुष्य देवता बन जाता है। और ये क्या है, कला की दुनिया को, कला की दुनिया में जो प्रवेश करता है वह अपने जीवन को वापस पाता है, कला हमें हमारी कोई भी जिंदगी वापस कर देती है कि हम कोई नाटक देखते हैं रो देते हैं, क्या कारण है कि हम कोई अच्छी फिल्म देखते हुए हमारी आंखें बार बार डबडबा जाती हैं और फिर भी हम उनमें देखना चाहते हैं, कोई रोना नहीं चाहता, कोई अपनी आंखों में पानी नहीं आने देना चाहता है लेकिन कला से गुजरते हुए वो बार बार अपनी आंखों में पानी आने का इंतजार करता है, इसी से उसकी जिंदगी में पानी बना रहता है और इसी से उसकी जिंदगी चरितार्थ होती है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारा विश्वविद्यालय परिषद कोई भी विभाग हो, कोई भी प्रकोष्ठ हो, जब भी उसको कोई आयोजन करना होता है तो उषा जी की ओर झांकता है और उषा जी से सहयोग की अपेक्षा करता है और ये क्योंकि भीतरी तौर पर एक कलाकार हैं इसलिए ये उत्सुक भाव से सहयोग करती हैं। जिले के सभी विकास खंडों में स्थित कृषि रक्षा इकाइयों पर आवश्यक सभी रसायन जैसे कीटनाशक, फफूंदनाशक, खरपतवार नाशक, चूहानाशक एवं जैविक रसायन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।
जिस पर बीज शोधक रसायन एवं जैविक रसायन पर 75% अनुदान एवं इसके अतिरिक्त अन्य रसायन 50% अनुदान पर हैं। सभी पंजीकृत कृषक DBT के माध्यम से सीधे खाते में अनुदान का लाभ ले सकते हैं, ये बात जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने बताया। बसंत पंचमी के अवसर पर ही दिग्विजय नाथ PG कॉलेज में विद्या की देवी माँ सरस्वती का विधिवत पूजा अर्चना की गई। यहाँ भी शिक्षक और छात्र छात्राओं की विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ माँ सरस्वती की वंदना की, जिसके बाद सबके बीच प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह, दिग्विजय नाथ PG कॉलेज के प्राचार्य शैलेंद्र सिंह, डॉक्टर प्रवीण कुमार सिंह, अमित सिंह बघेल, धीरज मिश्रा, मिथिलेश यादव सहित कई शिक्षक व छात्र छात्राएं मौजूद रहे। रजिस्ट्रार उत्तर प्रदेश मदरसा परिषद के माध्यम से अवगत कराया गया है कि वेब पोर्टल पर मदरसों का पंजीकरण एवं संपूर्ण विवरण फीड करने के बाद समय अंतर्गत फाइनली लॉक नहीं किया जा सका है, जिससे मदरसों में अध्ययनरत छात्र परीक्षा वर्ष 2018 की परीक्षा फॉर्म पोर्टल पर भेजने से वंचित रह जाएंगे। ऐसे मदरसे जो पोर्टल पर पंजीकृत हैं और सूचनाएं अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, उनका विवरण फीड करते हुए 30 जनवरी तक फाइनली लॉक किए जाने की तिथि निर्धारित की गई है। जनपद में स्थित समस्त अनुदानित व मान्यता प्राप्त मदरसों के प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया गया है कि पोर्टल पर जिन मदरसों ने अपना विवरण पंजीकृत किया हो और सूचनाएं अपलोड नहीं किया हो, वो निर्धारित समय सीमा में मदरसे से संबंधित संपूर्ण विवरण अपलोड कराते हुए 30 जनवरी तक फाइनली लॉक कराना सुनिश्चित करें। वहीं निदेशक उत्तर प्रदेश मदरसा वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा परीक्षा शुल्क निर्धारित लेखा शीर्षक में ट्रेजरी चालान के माध्यम से 20 जनवरी तक मदरसे द्वारा जमा किए जाने की तिथि निर्धारित की गई थी, जिसे निदेशक उत्तर प्रदेश मदरसा वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा 19 जनवरी के माध्यम से मदरसा मिनी ITI परीक्षा वर्ष 2017 हेतु परीक्षा शुल्क तथा अन्य औपचारिकताएं पूर्ण किए जाने की अंतिम तिथि 10 फरवरी निर्धारित की गई है। भारतीय एकलव्य पार्टी के तत्वावधान में धनुधर अभय की 4067वीं जयंती नगर निगम स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में मनाया गया, जिसमें पार्टी के सदस्यों ने वीर अभय के चित्र पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित करके उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस अवसर पर पार्टी के जिला अध्यक्ष राजमणि सिंह निषाद, महामंत्री इंदल सिंह निषाद सहित कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए इंदल सिंह निषाद ने कहा, भारतीय एकलव्य पार्टी के तत्वावधान में 100 अध्याय 100 है माने युग परिवर्तन विश्व धनोत्सव वीर अभय की ये 4167वां जयंती का समारोह आयोजन गोरखपुर नगर निगम महारानी लक्ष्मीबाई पूर्ति प्रांगण में गोरखपुर के जिला अध्यक्ष राजमणि सिंह के अध्यक्षता में एक कार्यक्रम चल रहा है। भारतीय एकलव्य पार्टी अभय को अपना सर्वपूर्ण देवता और अपना स्वाभिमान और विद्वान और महाप्रतापी राजा और दानी मानकर इनके विचारों को आगे बढ़ाकर इनके पद चिन्हों पर चलने का काम कर रही है। जाते जाते एक नजर हेडलाइन पर। बस और ट्रक के आमने सामने टक्कर में लगभग 1.5 दर्जन लोग घायल, जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में चल रहा है इलाज। परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह सदर हॉस्पिटल का दौरा कर रोडवेज बस के घायलों का कुशल क्षेम जाना, दिया घायलों के पर्याप्त मदद का भरोसा। क्षत्रिय महासभा और हिंदू संगठनों के लोगों ने फिल्म पद्मावती का किया विरोध, निर्देशक संजय लीला भंसाली का फूका पुतला। बसंत पंचमी के अवसर पर गोरखपुर विश्वविद्यालय में शिक्षकों और छात्र छात्राओं ने विद्या की देवी मां सरस्वती की विधिवत की गई पूजा अर्चना। पेट्रोल में पानी मिलने पर उपभोक्ताओं ने किया हंगामा, पैसे वापस मिलने पर हुए शांत। CRDPG कॉलेज में बसंत पंचमी पर आयोजित हुआ विविध कार्यक्रम, निराला जयंती पर वक्ताओं ने रखे विचार। सपाइयों ने मनाई स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र की 8वीं पुण्यतिथि, दी श्रद्धांजलि, लिया छोटे लोहिया के बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प। श्री साईं सेवा संस्थान द्वारा मनाई गई श्री साईं बाबा वार्षिक उत्सव समारोह, निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के ललित कला एवं संगीत विभाग द्वारा आयोजित
8 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का हुआ समापन। वक्ताओं ने कहा साक्षात सांस्कृतिक कला व सांस्कृतिक गतिविधियों का गवाह बना ललित कला विभाग। बीज शोधक रसायन जैविक रसायन एवं अन्य रसायन जिले के सभी ब्लॉकों में किसानों के लिए अनुदान पर प्रचुर मात्रा में है उपलब्ध। दिग्विजय नाथ पीजी कॉलेज में शिक्षक और छात्र छात्राओं ने की मां सरस्वती की वंदना। मान्यता प्राप्त मदरसों के प्रबंधक और प्रधानाचार्य पोर्टल पर 30 जनवरी तक कराएं विवरण फीड को फाइनली लॉक। और भारतीय एकलव्य पार्टी ने मनाया वीर अभय की जयंती। अब आप मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।